भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 87वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर वीर योद्धाओं को किया याद। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत को सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारतीय नागरिकों के खातों की सूचनाएं कराई उपलब्ध। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई के प्रति विजयदशमी पर आज किया जाएगा रावण दहन। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के अवसर पर आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। कई बड़े नेता और शख्सियत कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश भर में हो रहा है पथ संचलन का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना का 87वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर वीर योद्धाओं को याद किया है। पीएम ने कहा कि गौरवान्वित राष्ट्र वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता है। भारतीय वायुसेना निरंतर समर्पण और उत्कृष्टता के साथ
भारत की सेवा करती है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लोगों को परेड के जिन हिस्सों की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है उनमें से एक है फ्लाई पास्ट, जिसमें हमारी एयरफोर्स हैरत अंगेज कारनामों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। 1947, 1965 में भी, 1971, 1999 वायुसेना की भूमिका अहम रही। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। भारत को सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान IOI की नई नियमित व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों के खातों के पहले ब्यौरे उपलब्ध करा दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान समझौते के तहत भारत को विदेशों में अपने नागरिकों द्वारा जमा कराए गए काले धन के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने यानी FTA ने 75 देशों को IOI के वैश्विक मानदंडों के तहत वित्तीय खातों के ब्यौरे का आदान प्रदान किया है। भारत भी इनमें शामिल है। FTA के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को पहली बार IOI ढांचे के तहत खातों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आज विजयदशमी का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर देशवासियों में जबरदस्त उत्साह है। हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह रामलीला चल रही है, जहां आज अंतिम दिन भगवान राम लंकापति रावण का वध करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को बुराई पर अच्छाई के प्रति विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। आज विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संगठन शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें, स्वार्थ के लिए समाज में भेद करने वाली हर शक्ति, हर बुराई को हमने पराजित कर। आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के नागपुर में होने वाले कार्यक्रम विजयदशमी कार्यक्रम में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आरएसएस हर साल 6 बड़े कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें विजयदशमी का कार्यक्रम बेहद खास होता है। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े नेता और बड़े शख्सियत शामिल हो रहे हैं। विजयदशमी के दिन होने वाले संघ के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रजातंत्र विदेशों की व्यवस्था नहीं, हमारी परंपरा है। इस अवसर पर उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह सरकार की साहसिक निर्णय है कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद इसे पारित कराया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को वैज्ञानिकों द्वारा छूने का जो प्रयास किया गया उसको वो महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। भले ही उसमें पूरी सफलता न मिली हो, लेकिन दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। ২০১৪ में जिस सरकार को चुनकर दिया था उन्हीं की सरकार को फिर से और बढ़ी हुई संख्या में चुनकर दिया, तो एक तरह से एक विश्वास देश की जनता ने व्यक्त किया। ये सामान्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, परंतु बहुत दिनों के बाद कुछ होने लगा देश में, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा ध्यान में आया। और ये जो विश्वास प्रकट हुआ तो जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। सारे देश के जनता की इच्छा तो बहुत दिनों की थी, जो सत्तारूढ़ दल है उनका भी विचार कोई छुपा नहीं था। वो दल जिस दल से निकला जनसंघ नामक, उस जनसंघ के जन्म के बाद उसका पहला आंदोलन इसी बात को लेकर था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। 370 हटाने की मांग तो उनकी तब से थी, परंतु उन्होंने इसके लिए मन बनाया, निर्णय किया और अकेले नहीं किया, तो राज्यसभा में लोकसभा में और भी दलों का सहयोग लेकर दोनों जगह इसको बहुमती से उन्होंने किया। आइए एक बार फिर चलते हैं नागपुर, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यक्रम चल रहा है और अपना एक एक आदमी रख दिया और उसके सम्मति के बिना नहीं चलेगा तो ये कंपनियां उनकी हो गई। और वो कंपनियां क्या करती है, भारत जैसे देश की छोटी कंपनियों को खरीदती है। नाम वही रहते, कंपनी अलग रहती है, शेयर्स किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के है। उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या है, वो चाइना के अंडर चलती है। ऐसा अप्रत्यक्ष साम्राज्य दूसरे देश में अपना उत्पन्न करने का काम चलता है, हमको सावधान रहना पड़ेगा ना। इसलिए उस स्वदेशी की आवश्यकता है और स्वदेशी की ओर बढ़ना है तो मूल से हमको विचार करना पड़ेगा। प्रचलित जो अर्थतंत्र है वो अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। जीडीपी जैसे उसके जो मानक बने हैं वो अधूरे हैं, दोषपूर्ण है, ये भी आज के सब अर्थतंत्र कहते हैं। हम अपने देश के अनुकूल, अपने देश को आगे बढ़ाने वाली, अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली, अपने देश के उत्पाद और उत्पादन बढ़ाने वाली, पर्यावरण की कम से कम या न हानि करने वाली और कम से कम ऊर्जा में काम चलाने वाली, लोगों में समृद्धि के साथ सदनीति लाने वाली अर्थव्यवस्था, उसका विचार क्यों न करें, उसकी तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। इधर सुल्तानपुर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी उत्सव के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन व पथ संचलन का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा वाहिनी संगठन की महिलाओं ने शस्त्र के साथ पथ संचलन किया।
नगर में पथ संचलन के पूर्व नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामाशीष ने कहा कि 1925 से आज तक संघ ने बिना प्रचार प्रसार के बहुत सारे कार्य किए हैं। इसका परिणाम आज ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित तमाम देशों के लोग नागपुर आकर संघ को समझ रहे हैं। संघ ने एक नया आयाम स्थापित किया है। केंद्र से प्रांत तक की सरकारें हिंदुत्व की बात कर रही हैं, जिनके पास हमें सुनने का समय नहीं था, आज वो हमारी सुनकर उस पर काम कर रहे हैं। जापान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान आने पर संस्कृति के प्रतीक काशी को देखने व चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृति की धरोहर देखने मदुरई आ रहे हैं। इसके बाद घोष के साथ पथ संचलन निकाला गया। विजयादशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयं संघ स्थापित हुआ, प्रारंभ हुआ, उसका जन्म दिवस भारतीय संस्कृत का बहुत ही प्राचीन विजय का दिवस इस अवसर पर संघ मनाता है। हम इसे पथ संचलन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। आज पहले शस्त्र का पूजन हुआ, फिर ये संचलन हुआ। जनपद कानपुर देहात पहुंचे SC/ST आयोग के अध्यक्ष व इटावा लोकसभा से सांसद डॉ. राम शंकर कठेरिया ने स्वच्छता अभियान के तहत डेरापुर कस्बे से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गांधी संकल्प यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने लोगों को महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों को बताने के साथ उन्हें स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी किया। इस अवसर पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। डॉ. कठेरिया ने कहा कि महात्मा गांधी के उद्देश्यों पर चलने से जीवन शांतिमय व संकल्पबद्ध होता है। शांति, प्रेम और भाईचारे के उनके संदेशों से आज पूरा विश्व प्रेरणा ले रहा है। गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ संकल्पित हैं। जो बापू का विचार और दर्शन जिम्मेदारी है, जो गांधी जी ने दिया, उसको पूरे देश में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा का आयोजन पार्टी की तरफ से किया गया है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निश्चित किया है कि देश भर के सभी सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी इस संयुक्त रूप से हर एक लोकसभा में एक पदयात्रा का आयोजन करेंगे, क्योंकि 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो कम से कम 150 किलोमीटर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज की कटरा रामलीला कमेटी में स्वागत किया गया। इस मौके पर रामलीला में प्रतिभाग लेने वाले अलग अलग लोगों को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कटरा रामलीला कमेटी की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, प्रदेश और देशवासियों को नवमी और दशमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि आसपास जहां भी रामलीला होती हो, उस रामलीला को पूरा परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए, जिससे परिवार को संस्कार मिल सके। मैं सभी प्रयागवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि उनके आसपास में कहीं पर भी श्री रामलीला का मंचन हो तो सब परिवार उसे देखने के लिए जरूर जाएं। उससे आने वाली पीढ़ी को प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माता से संस्कार जो मिलेंगे उससे कभी परिवार बिखर नहीं सकता, सदा परिवार एक रहेगा। जनपद बाराबंकी के किसान भाइयों ने हर साल की भांति इस साल भी हिंदू मुस्लिम धर्मों की 125 गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी कराकर एक मिसाल कायम की है। एक तरफ हिंदू धर्म की लड़कियों के सुहागन बनने के सपने हकीकत में बदल गया तो वहीं मुस्लिम लड़कियों ने भी निकाह कबूल कर नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी में गृहस्थी के सामान सहित शादी का सारा इंतजाम किसान भाई आपसी सहयोग से कुछ इस तरह जुटाते हैं मानो उनकी ही लाडली बिटिया की शादी है। इस शादी समारोह की शुरुआत जिले में गरीब किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता मुकेश ने शुरू की थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि 2011 से लगातार ऐसा कार्यक्रम स्वर्गीय मुकेश जी द्वारा किया जाता रहा है। उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसा जारी रहेगा।
लेकर के हापुड़ में दो दिवसीय विशाल दंगल की शुरुआत की गई। विशाल दंगल में कई राज्यों के सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पहलवान और महिला पहलवानों ने पहुंचकर विशाल दंगल में भाग लिया। विशाल दंगल में जीतने वाले पहलवानों को सम्मानित भी किया गया। कुचेसर चौपले के ग्रामीण क्षेत्र में 1970 से होते आ रहे विशाल दंगल को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीणों और आसपास के लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विशाल दंगल में युवाओं में भी दंगल के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कोच गजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 वजन के पहलवान हैं। पहला वजन 65 किलोग्राम, दूसरा 79 किलोग्राम, तीसरा 97 किलोग्राम का है। वहीं हारने व जीतने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी को सम्मानित भी किया जा रहा है। पहलवानों और ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। विशाल कुश्ती में इनाम की राशि 50,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक रखी गई है। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लखनऊ जोन पुलिस की 3 दिवसीय 7वीं अंतर जनपदीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जिसमें विजेता टीम को और प्रतिभागियों को जनपद के जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक पूनम और जनपद के वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा ने पुरस्कृत किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के जनपदों से पुरुष व महिला वर्ग की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में लखनऊ की टीम ने 210 सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। जनपद खीरी की टीम 155 अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रही। वहीं महिला वर्ग में जनपद खीरी की टीम ने सर्वाधिक 40 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा लखनऊ की टीम को 26 अंक मिले, वहीं दूसरे स्थान पर रही। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में सर्वोत्तम लक्ष्य भेद कर पुरस्कार लखनऊ के असलम को मिला एवं महिला वर्ग में सर्वोत्तम लक्ष्य भेदने का पुरस्कार लखनऊ की मीनू यादव को मिला। समापन समारोह में विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रशस्ति प्रदान किए गए। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र को गोरखपुर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं के पांव धोकर चुनरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कन्याओं को भोजन भी अपने हाथों से परोसकर खिलाया। कन्याओं को दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। गोरखनाथ मंदिर में परंपराओं के अनुसार शारदीय और चैत्र नवरात्र में मां जगत जननी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तथा कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। ये कार्य मंदिर के महंत द्वारा संपन्न किया जाता है। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर के महंत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। उधर चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा नवमी पर भक्ति की प्रतीक प्रसिद्ध मां बालकेश्वरी माता के प्रांगण लोहदा में 1 दिवसीय विराट दंगल एवं मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं, जहां मां बालकेश्वरी के दर्शन कर मन्नत मांगी जाती है। मेले में जमकर खरीदारी की, वहीं मेले में आयोजित विराट दंगल का भी आनंद लिया गया। दंगल में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, इलाहाबाद, फतेहपुर व बांदा जिले के 7 स्थानीय पहलवानों ने भाग लिया। दंगल के विजेता पहलवानों को नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया, साथ ही पराजित पहलवानों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए। ये दंगल कार्यक्रम लगभग 50 साल पुराना है और ये अनवरत लगभग 50 सालों से चला रहा है और उसको हम सभी क्षेत्रवासी सब मिलकर के सबका सहयोग इसमें रहता है। सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को, इस प्राचीन परंपरा को चालू किए हैं। गाँव में मनोरंजन का ये बहुत बड़ा साधन है और खेल भावना का विकास इसमें जनता में होता है और शारीरिक श्रम वास्तव में जो किया है, जिसने अपनी शक्ति से शरीर और टेक्निक उसने हासिल किए, वही जीत हासिल कर सकता है। कई बार डील डाउल देखने में बहुत अच्छा है लेकिन चपलता नहीं है, तो जो छोटा भी है, दुबला भी है लेकिन चपलता है, टेक्निक है, तो वह इसमें विजयी होता है।
श्रावस्ती के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में बांके जिला नेपालगंज में मां बागेश्वरी एक सिद्धपीठ मंदिर है। यहां पर देश विदेश के लाखों भक्त पूजा के लिए आते हैं। नवरात्रि का नवमी पर यहां भारी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर आस्था का प्रतीक है, जहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। इस मंदिर में भारी संख्या में शादियाँ होती हैं। इस मंदिर परिसर में शिव जी, गणेश जी, काली मंदिर, काल भैरव का मंदिर भी उपस्थित है। श्रावस्ती जनपद से करीब 65 किलोमीटर दूर भारत नेपाल सीमा पर स्थित माँ के मंदिर में नवरात्र से लेकर दशहरे तक बड़ी संख्या में भक्त आस्था के साथ पहुँचते हैं। खास माता सत्यदेव का जीव का पूजन होता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। तब सोनभद्र जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जनजाति परिवार की 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि पूजा आज भी उनकी परंपराओं पर आधारित है। नवरात्रि के नवमी के दिन एक समूह में ज्वारी पूजन के नाम से एक विशेष आयोजन के रूप में किया जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले कुडारी स्थित माँ कुंदवासिनी धाम में दर्शन और पूजा के लिए पूरा आदिवासी परिवार जमाई हुई जाई और सौ बेदने की कला के साथ माता रानी के दर्शन करता है। इसके उपरांत उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे सोनभद्र जिले के इस कुडारी मंदिर के आसपास आदिवासी परिवारों की बहुलता है। आज भी पूरी श्रद्धा के साथ अपनी परंपराओं को निभाते हुए कुंदेश्वरी देवी की पूजा कर सुख शांति की कामना करते हैं। 9 दिन पूरा होने के उपरांत पूरा परिवार श्रद्धा और उल्लास के साथ माँ के मंदिर जाकर उन्हें समर्पित कर उसका विसर्जन करते हैं। तैयार होता है तो रामनवमी के दिन वो लेकर के और सांग बेद करके अपने जीभ में और गुर्दा लेकर के चलते हैं, और उनकी मान्यता रहती है माई से अपनी जो मनौती करते हैं उसको माई पूरा करते हैं, इसलिए उनको श्रद्धा है माई में और वो अपना इस मान्यता के हिसाब से अपना लेकर के चलते हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर में शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन जवारे की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ललितपुर में रबी सीजन में बोई जाने वाली फसल के अच्छे उत्पादन की कामना के साथ दुर्गा माता के आशीर्वाद के लिए ये आयोजन प्राचीन समय से किया जाता रहा है। जनपद में हर साल की भांति इस साल भी जगह जगह सजाई गई मां दुर्गा की झांकी के समक्ष श्रद्धालुओं द्वारा जवारे बोकर 9 दिनों तक अगाध श्रद्धा से सेवा की गई। परंपरागत बुंदेली लोक नृत्य के साथ भक्तजन झूमते नजर आए। वहीं जवारे की जगह जगह आरती उतारी गई। बाद में सुमेरा तालाब में विसर्जन कर दिया गया। जनपद में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तरह तरह के प्रयास करते हैं। जवारे बोने की भी यहां काफी प्राचीन परंपरा है। जो है ये बहुत प्राचीन परंपरा है और इसमें हम लोग देवी माता को प्रसन्न करते हैं और उनकी याद में क्योंकि सब मनाती रहते हैं। वो ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये कई समय से चली आ रही है, पीढ़ियों से आदमी अपने घर में इसको सजावट करते हैं, इसकी जो है बोते हैं और इसकी मान्यता बराबर है और ये बहुत पहले से चल रहा है और इनकी मान्यता है कि इससे जो है अन्य जो है बुंदेलखंड में जो आने वाली प्रथाएं हैं, ये प्रथाएं और कई इससे जो लाभ हैं वो सारे लाभ इससे अर्जित होते हैं। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा हैं, हमारे बुंदेलखंड में ये ऐतिहासिक सैकड़ों साल से चली आ रही है, जब से ये धरती है और यहाँ पे महामाई की माता की प्रसन्न करने के लिए एक देवालय 64 खप्पर बोए जाते हैं, उसके साथ साथ जो मोहल्ला पड़ोस के होते हैं उसमें भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि 64 के अलावा एक खप्पर होता है, उसके अलावा और अन्य भी बढ़ाए जा सकते हैं और प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई व्यवस्था के लिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है कि इससे तालाब गंदा ना हो। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना 87वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर वीर योद्धाओं को किया याद। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत को सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारतीय नागरिकों के खातों की सूचनाएं कराई उपलब्ध। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई के प्रति विजयदशमी पर आज किया जाएगा रावण दहन।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयदशमी के अवसर पर आज मना रहा है अपना स्थापना दिवस। कई बड़े नेता और शख्सियत कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देश भर में हो रहा है पथ संचलन का कार्यक्रम। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।